हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एलआरडीए मास्टर सीरीज पावर्ड बाय कोचिफाई। दिस इज योर मेंटर मोहित। आज हम हैं डे 5 में एक और पजल के साथ में। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आज आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। सो कमेंट में आप लोगों ने बताया कि आई शुड मेक वीडियोज ऑन नेटवर्क्स, आई शुड मेक वीडियोज ऑन यू नो बाइनरी लॉजिक, केसलेट्स, वेन डायग्राम। गाइस, आई अश्योर यू आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स एंड आई विल बी मेकिंग वीडियोज ऑन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट कम्स इन कैट पेपर। ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है और इस सीरीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 100 सेट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ये लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है इस सीरीज़ में वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, राइट? जैसे हमने अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया, अब उसके बाद में फिर हम और सब्सिक्वेंट टॉपिक्स जो है उनको पिक करते जाएंगे और उन पर वीडियोज़ बनाते चले जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपका और आता है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या सर ये सीरीज़ अपने आप में सफिशिएंट है? तो व्हाट आई विल से इज़, इस सीरीज में हर टॉपिक के ऊपर बेस जो पजल आती है उसको सॉल्व करने का एक वे आपके साथ में डिस्कस हो रहा है। जैसे अरेंजमेंट है तो उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, ये आपके साथ में डिस्कस हो रहा है, अप्रोच सिखाई जा रही है आपको। बट प्रैक्टिस आपको इससे और भी कहीं गुना ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी आपको और सेट्स निकालने होंगे और आपको उनको सॉल्व करना होगा। तो कितने सेट हम सॉल्व करें एक दिन में? तो वैसे तो अपर लिमिट कुछ होती नहीं है, बट एटलीस्ट आपको 4 to 5 सेट्स जो हैं पर डे बेसिस पर सॉल्व करने चाहिए, राइट? अब आप में से जिन लोगों के इनिशियल्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे कैट के PYQ सॉल्व करने चाहिए। एटलीस्ट आपको 2 to 3 सेट पर डे जो हैं वो आपको लगाने ही चाहिए, राइट? अच्छा, इसके अलावा आपकी और कोई क्वेरीज है, आप पर्सनली रीच आउट करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं अपनी जो भी क्वेरीज हैं, आई विल डेफिनेटली एड्रेस देयर। और अब हम लोग आज की पजल स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो दिस इज आवर टुडेज पजल, द नेम ऑफ द पजल इज कार पार्किंग, राइट? तो ये है, ए पार्किंग लॉट कैन अकोमोडेट ओनली 6 कार्स, द 6 कार्स आर पार्क्ड इन 2 रूम्स इन सच अ इन 2 रोज इन सच अ वे दैट द फ्रंट ऑफ द 3 कार्स पार्क्ड इन 1 रो इज फेसिंग द अदर 3 कार्स इन द अदर रो, राइट? तो ये 2 रोज हमने बनाई, तो कोई 3 गाड़ियां यहां आने वाली है और उन्हीं के सामने कोई 3 गाड़ियां इधर आने वाली है, इनके फ्रंट्स एक दूसरे को फेस करेंगे। दिस इज व्हाट द इंट्रो पार्ट सेज। नाउ दीज आर द क्लूज, ऑल्टो इज नॉट पार्क्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एनी रो, एस्टीम इज सेकंड टू द राइट ऑफ I-10, पुंटो व्हिच इज हु इज द नेबर ऑफ ऑल्टो इज पार्क्ड डायगोनली अपोजिट टू I-10, स्विफ्ट इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल्टो, SX4 इज पार्क्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ ऑल्टो। दीज आर द क्लूज दैट आर गिवन, क्लूज ऑलरेडी काफी छोटे हैं, राइट? अब हमें क्या करना है, अगेन द अप्रोच इज वेरी इजी, हमें तो ये सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड ये पजल है, तो हमें क्या करना है, उस क्लू से शुरुआत करनी है जिससे मैक्सिमम पार्ट हमारा सॉल्व हो रहा हो। तो जैसा कि हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसने कहा, सबसे पहले अगर आप देखोगे कि ऑल्टो इज नॉट पार्क्ड इन द बिगनिंग ऑफ एनी रो, बिगनिंग में नहीं है, राइट? तो यानी ऑल्टो यहाँ नहीं हो सकती, यहाँ नहीं हो सकती, इधर नहीं हो सकती, इधर नहीं हो सकती, तो ऑल्टो को कहाँ होना पड़ेगा, मिड में होना पड़ेगा। अब बात यह आती है कि ऊपर रखें कि नीचे, तो आप अगर ऊपर वाली रो में प्लेस करते हो या नीचे वाली रो में प्लेस करते हो उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दोनों केसेस बना करके ये चीज चेक कर सकते हो, राइट? सेम आंसर आएगा आपका। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑल्टो को प्लेस कर देते हैं। लेट्स से हमने कहा ऑल्टो कहाँ है, यहाँ, तो हमने सबसे पहले ऑल्टो को यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये है ऑल्टो, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट, अब ऑल्टो के साथ कनेक्टेड कितने पॉइंट्स हैं वो देखो आप। तो एक पॉइंट तो साफ साफ यहां दिख रहा है, स्विफ्ट इज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल्टो, स्विफ्ट यहां आ जाएगी, तो ये पॉइंट भी हमने यूज में ले लिया। देन एस्टीम इज सेकंड टू द राइट ऑफ I-10, नहीं, पुंटो हु इज द नेबर ऑफ ऑल्टो इज पार्क्ड डायगोनली अपोजिट टू I-10, ठीक है, तो पुंटो नेबर है ऑल्टो का, बट नेबर के 2 केसेस बन सकते हैं, एक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, राइट? तो अभी इस पर नहीं आते। अब इसने कहा SX4 इज पार्क टू द इमीडिएट राइट ऑफ ऑल्टो, ये पॉइंट पहले उठा लेते हैं। तो SX4 को कहां पार्क किया गया, इमीडिएट राइट ऑफ ऑल्टो, इमीडिएट राइट, क्योंकि अगर आप इधर की तरफ फेस कर रहे हो तो ये आपका राइट हुआ, ये आपका लेफ्ट हुआ, राइट? तो यहां पे हमने SX4 को रखा। तो अब पुंटो जो है वो कहां होगी, पुंटो विल बी हियर, एंड नाउ दिस इज द पॉइंट, पुंटो हु इज द नेबर ऑफ ऑल्टो इज पार्क डायगोनली अपोजिट टू I-10, दैट मींस I-10 मस्ट बी हियर, एंड इफ I-10 इज हियर व्हिच इज द कार लेफ्ट आउट, सो इट इज एस्टीम, इट सेज दैट एस्टीम इज सेकंड टू द राइट ऑफ I-10। तो क्योंकि ये जो कार्स हैं ये नीचे की तरफ फेस कर रही हैं, राइट, साउथ की तरफ फेस कर रही हैं, तो इनका राइट क्या बनेगा, ये, तो यहाँ पे एस्टीम को आना चाहिए। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, इजी सेट था ये, IIFT का PYQ है, मैंने ये उठाया, सो इजी सेट इट इज सॉल्व, लेट्स क्विकली सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इफ SX4 एंड एस्टीम एक्सचेंज देयर पोजीशंस म्यूचुअली देन कार्स एडजेसेंट टू एस्टीम इज आर, ठीक है, एडजेसेंट में कौन सी कार्स होने वाली है ये आपको बताना है, और SX4 और एस्टीम की पोजीशन को एक्सचेंज करवा दो, तो यानी एस्टीम को इधर ले आओ, SX4 को एस्टीम की जगह ले जाओ, तो एस्टीम के बराबर में कौन आएगा, ऑल्टो, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन।
adjacent. If alto changes position with I10, alto changes position with I10, ठीक है, यहाँ कौन सी कार आ जाएगी? Alto. और यहाँ कौन सी कार आ जाएगी? I10, ठीक है. And Punto changes position with SX4, यहाँ कौन सी कार आ जाएगी? Punto. यहाँ कौन सी कार आ जाएगी? SX4. And Swift shifts one position to the right to accommodate Beetle, ठीक है. तो Swift को एक position right में सरका देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? Beetle. भाई राइट मतलब इसी का राइट हुआ ना, स्विफ्ट का राइट, तो एक पोजीशन राइट कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा? बीटल यहाँ आ जाएगी. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग देन द कार्स पार्क एडजेसेंट टू बीटल इज आर. तो बीटल के एडजेसेंट में एक तो स्विफ्ट होगी और एक क्या होगी? ऑल्टो, विच मेक्स डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट, इफ इन द ओरिजिनल पार्किंग स्कीम, ओरिजिनल पार्किंग स्कीम का मतलब क्या है? 6 गाड़ियां होनी चाहिए और हर 2 गाड़ी आमने सामने होनी चाहिए फेस करते हुए, ये आपकी ओरिजिनल पार्किंग स्कीम है. तो अभी कह रहा है इसमें 4 न्यू कार्स को एंटर किया गया, इस तरीके से किया गया कि वैगनार इज सेकंड टू द राइट ऑफ I10. तो I10 के राइट में सेकंड पोजीशन पे कौन है? तो ये गाड़ियां इधर फेस करके हैं, ये इधर, तो इसका राइट क्या बनेगा? ये तो I10 के राइट में सेकंड पोजीशन पे कौन सी कार है? वैगनार. तो यहां लिख लेते हैं वैगनार, ठीक है. नेक्स्ट, वैगनार इज सेकंड टू राइट ऑफ I10, ये हमने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट, एंड जेन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ SX4. SX4 के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे कौन सी कार है? जेन, ठीक है. Then Jazz is parked second to the left of Wagonar. तो Wagonar का left बनेगा ये, और second position पे कौन सी कार आ जाएगी? Jazz. Next, Beat is parked to the right of Alto. यहाँ कौन सी कार है? Beat. Then the cars that moved out. अब कौन कौन सी cars move out हुई हैं? तो 2 गाड़ियाँ तो यहाँ से गई, Esteem गई, Punto गई. 2 गाड़ियाँ यहाँ से चले गए, I10 चले गई, SX4 चले गई. तो 4 गाड़ियाँ जा रही है, right? क्योंकि 4 नहीं लेकर के आ रहे हो आप. तो अब आपके आंसर ऑप्शन में लेकिन 2-2 के कॉम्बिनेशन है, तो आपको फिर ढंग से ऑप्शंस को रीड करना है. एस्टीम एंड स्विफ्ट जा रही है क्या? नहीं, स्विफ्ट तो वही है, एस्टीम जा रही है, ये ऑप्शन नहीं है. Punto एंड ऑल्टो, Punto चले गई लेकिन ऑल्टो है, ये भी गलत है. I10 एंड ऑल्टो, I10 चले गई बट ऑल्टो अभी भी है. Punto एंड SX4, Punto चले गई, SX4 चले गई, यस, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ये थी हमारी कार पार्किंग पजल बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट. आई होप आपको सीखने को मिला, राइट? तो और वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. कीप सॉल्विंग, कीप ग्रोइंग. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.